मानव सभ्यता के जन्म से पहले पृथ्वी से कई एस्टेरॉयड टकरा चुके हैं और इससे तबाही भी देखी गई। कहा जाता है कि इन्हीं एस्टेरॉयड में से एक चिनूक लव एस्टेरॉयड भी था, जिसके धरती से टकराने से आज से 6,60,000 साल पहले धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए थे, यानी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के टकराने की कितनी घटनाएं हुई हैं इसको लेकर अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अब एक नए शोध में पता चला है कि विशाल एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना पहले की सोच से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी से चिनूक लव के बराबर कोई बड़ा एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना अब 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के अनुसार अगर धरती पर फिर से कोई बड़ा एस्टेरॉयड टकराता है तो इससे न केवल भारी तबाही होगी बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। ऐसे में मानव जीवन के अस्तित्व पर भी खतरा बढ़ सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि आने वाले 100 सालों में धरती को किसी बड़े एस्टेरॉयड से कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होने के साथ ही टूटकर जल जाते हैं और कभी कभी उल्का पिंड के शक्ल में धरती से दिखाई देते हैं। ये धरती को तभी नुकसान पहुँचा सकते हैं जब इनका आकार बड़ा हो, छोटे टुकड़ों से ज़्यादा खतरा नहीं होता है। वहीं आमतौर पर ये सागरों में गिरते हैं क्योंकि धरती का ज़्यादातर हिस्सा पानी में ही मौजूद है, वहां कोई आबादी नहीं रहती है, इसलिए कोई खतरा भी नहीं होता। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।